आज हम बनाएंगे बड़ी ही टेस्टी मसालेदार चटपटी स्टार्टर रेसिपी चिकन बिहारी बोटी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काट कर इसे हम रेडी रखते हैं। अब इसके लिए हमें मसाला रोस्ट करना है, तो सबसे पहले पैन को रख लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इसमें डालेंगे 10 कबाब चीनी, 1/4 टुकड़ा है ये जावित्री का, इसे डालेंगे। 1 चम्मच लेते हैं सूखा धनिया, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1.5 बड़े चम्मच भरकर डाल देते हैं खसखस। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए मसालों में तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और अब ये मसाले को डाल देते हैं ग्राइंडर में। मसाले के साथ ही साथ डाल देते हैं 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 9 कलियां डाल देते हैं लहसुन की, हरी मिर्च ले लेते हैं 7 से 8, 1/4 चम्मच ले लेते हैं क्रश किया हुआ जायफल, काला नमक है ये 2 चुटकी भर के क्रश किया हुआ, इसे डालेंगे। 1/4 कप ले लेते हैं तली हुई प्याज। ये मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच पानी। इसे ग्राइंड कर लेते हैं और अच्छा सा एक थिक पेस्ट बना लेंगे। नॉर्मली मटन की जो बिहारी बोटी बनती है उसमें पपैया का पेस्ट या मीट टेंडराइजर डाला जाता है उसे सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन चिकन में हम ये सारी चीजें नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले मसाला जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। सारा मसाला निकाल कर इसमें डाल देंगे, साथ ही साथ इसके डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच भर कर दही। ये पानी निकाला हुआ दही है। 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर, 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ लेते हैं, 3 बड़े चम्मच भर के डाल देते हैं सरसों का तेल। इस रेसिपी में सरसों का तेल ही पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। नमक डाल लेते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से और अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में। तो हमारा चिकन मैरिनेट होके रेडी हो गया है। अब हम इसे डाल लेंगे स्कूअर स्टिक्स में। ये इस तरह की मैं मेटल की स्कूअर स्टिक्स ले रही हूँ, आप चाहे तो बैम्बू की स्कूअर स्टिक्स भी ले सकते हैं। 3 से 4 पीसेस चिकन के इसमें डाल देंगे। ये हमारी सारी स्कूअर स्टिक्स रेडी हो गई है, इसे अब हम रोस्ट कर लेते हैं। पैन को रख लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इस पर थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। चिकन की स्कूअर स्टिक्स जो हमने रेडी करके रखी है ये इसमें डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर ये अच्छी तरह से एक साइड पक जाए तब हम इसे पलट लेंगे। सारी साइड से हम ये चिकन को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये बिहारी बोटी जो है ये पककर एकदम रेडी हो गई है। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसे आग पर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। सारी बिहारी बोटी की जो स्कूअर्स है हम इस तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारी हमारी बिहारी बोटी बनकर रेडी हो गई है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे चटनी प्याज और नींबू के साथ। बहुत ही चटपटी और मसालेदार चिकन की स्टार्टर रेसिपी है ये, जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।